हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाट की दुकान पर आप जो देखते हैं ना, कटोरी चाट स्पेशल, कुरकुरी करारी, जिसे खाकर मजा आ जाए, इसे आप टोकरी चाट भी बोल सकते हैं। वैसी ही आज हम बढ़िया टेस्ट वाली कटोरी चाट बनाएंगे। एक बार इसे बना लिया और पूरे महीने बार बार कटोरी चाट बना के खा सकते हैं। इसमें सभी चाट का टेस्ट आ जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी और चटपटी स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप मैदा लिया है, इसे बाउल में डाल देंगे। 1/2 कप बारीक वाली सूजी, चिरोटी रवा, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसे हाथ से थोड़ी क्रश करके डालेंगे, 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैदा का टेक्सचर ब्रेड क्रम्स के जैसा हो गया है। इस तरह से हम बाइंड करेंगे, तो ये बाइंड होना चाहिए, इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, उतना हमें तेल का मोइन डालना है, तो कटोरी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पराठे के जैसा मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। एक साथ में पानी नहीं डालना है, नहीं तो डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह का मीडियम सॉफ्ट डो बनाया है। ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दिया है। 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मसल लेंगे। 1/2 टीस्पून तेल डाल के अच्छे से इसे मसल लेंगे। इसकी लोई बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई बनाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे, ताकि आटा ड्राई नहीं हो जाएगा। चकले के ऊपर थोड़ा तेल लगाएंगे, लोई के ऊपर भी थोड़ा तेल लगाएंगे। इसे बेल लेंगे, मीडियम मोटी इस तरह की रोटी बेल लेना है। बाटी के ऊपर अच्छे से तेल लगा लेंगे, तेल अच्छे से लगा लेना है, ताकि हम फ्राई करेंगे तभी ये आसानी से अनमोल्ड हो जाएगी। और इस तरह से रोटी की प्लेट्स लेके इसके ऊपर चिपकाना है। इस तरह से प्लेट्स लेके चिपकाएंगे तो अच्छे से बाटी के ऊपर रोटी लग जाएगी। इस तरह से अंदर लगा देना है, फोक से प्रिक कर देंगे, ताकि इसे फ्राई करेंगे तभी ये फूलेगी नहीं। नाइफ से ये ऊपर से कट कर लेंगे, ये आटा निकाल लेंगे, इसे आटे में मिक्स कर देंगे। इस तरह से बाटी के ऊपर रोटी बना के लगाएंगे। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे। अब देख सकते हैं धीरे से बबल्स हो रहा है और आटा धीरे से ऊपर आ रहा है। हमें उतना ही मीडियम गरम तेल चाहिए, बहुत ज्यादा तेल गरम नहीं करना है, नहीं तो जैसे ही हम कटोरी डालेंगे वैसे ही वो लाल हो जाएगी। कटोरी अंदर डाल देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से थोड़ा घुमा के फ्राई करेंगे तो बाटी आसानी से निकल जाएगी। अब देख सकते हैं बाटी निकलने लगी है, निकाल देंगे और कटोरी का तेल इसमें ही डाल देंगे। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे ताकि अंदर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। धीरे से इसे उल्टा कर देंगे, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तभी इस तरह से इसे घुमा के लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई कर देना है। इसे उलट पलट के लाइट ब्राउन हो जाए तब तक मैंने इसे फ्राई कर दिया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। निकाल लेंगे, इस तरह से कटोरी बनाएंगे। इस तरह से सभी कटोरी बनाएंगे। सभी कटोरी बना के रेडी कर दी है। ये एकदम ठंडी हो जाए इसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 महीना तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। कटोरी में भरने के लिए चाट रेडी करेंगे। 2 मीडियम साइज का आलू को उबाल के लिया है, ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल के मीडियम पीस में चॉप किया है। 1 कप उबला हुआ काबुली चना लिया है, इसे मैंने नमक डाल के उबाला है। इसके बदले में आप काला चना भी ले सकते हैं। 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 1/2 कप स्प्राउट मूंग को 2 मिनट माइक्रोवेव करके लिया है, ये अंदर डाल देंगे।
ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर का मैंने बीज निकाल के इसे बारीक कट किया है। दो हरी मिर्ची को बारीक काट के डालेंगे। एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून भुना जीरा पाउडर, आधी टीस्पून काला नमक और आधी टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मसाले अंदर डाल देंगे। एक टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। दो से तीन टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो टेबलस्पून मसाला मूंगफली डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। एक कप फ्रेश दही लिया है, इसमें दो टीस्पून पाउडर चीनी और एक चौथाई टीस्पून काला नमक डाल के दही को अच्छे से फेंट के लिया है। ये तीन से चार टेबलस्पून जितना दही डालेंगे। दो टेबलस्पून चाट की हरी चटनी डालेंगे। दो टेबलस्पून खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी डालेंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरी चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी चाट बन के रेडी हो गई है। कटोरी में हमने ये चाट बनाई है, ये डालेंगे। रायते वाली बूंदी डालेंगे। मसाला मूंगफली, ऊपर थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, काला नमक एक एक पिंच जितना डालना है, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, दही डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर, फ्राई की हुई मसाले वाली चना दाल है ये ऊपर थोड़ी डालेंगे। आपके पास जो कोई भी वस्तु अवेलेबल है घर में वो आप इसमें डाल सकते हैं। बारीक वाली सेव डालेंगे, फ्रेश अनार के दाने डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी कुरकुरी करारी कटोरी चाट बन के रेडी हो गई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।